आज हमारा भारत देश का दो इंसान जो देश भर में जाना जाता है, दुनिया भर में जाना जाता है कि एक आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, दोनों का दिन है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का 38 मर्त्यदम डे है, शहीद दिवस। आज उनका हम लोग यहाँ राजीव गांधी भवन ईटानगर में हम लोग ने उसका मनाया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का द फर्स्ट यूनियन होम मिनिस्टर, उनका 147th बर्थ एनिवर्सरी है। दोनों का आज हम लोग कंबाइन करके राजीव गांधी भवन में सेलिब्रेशन आयोजन किया, डेथ एनिवर्सरी एंड बर्थ एनिवर्सरी दोनों का। यहाँ हमारा पीसीसी का ऑफिस बेयरर्स, पुरंतल ऑर्गेनाइजेशंस, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्तागण, सभी लोग ने आया, दोनों का श्रद्धांजलि अपील किया। अब सबको पता है, विशेष करके मीडिया लोगों को तो पता है इन लोगों ने कितना हमारा देश के लिए कुर्बानी दिया, देश के लिए काम किया और देश को निर्माण करने में उन लोगों ने साथ दिया, उसका आज हम लोग याद करते हैं। इंदिरा गांधी जी विशेष करके हमारा अरुणाचल प्रदेश को जो नेपाल से यूनियन टेरिटरी दिया था 1972 में, वो दिन हम लोग आज याद करते हैं। और इंदिरा गांधी जी का जो 20-point इकोनॉमिक प्रोग्राम से जो देश का जो डेवलपमेंट शुरुआत हुआ, उसी दिन का हम लोग याद करते हैं किस प्रकार से भारत देश को बनाया, किस प्रकार से भारत को जोड़ा, किस प्रकार से भारत का जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट है, शुरुआत हुआ, वो दिन हम लोग आज याद करते हैं। और हम लोग का उन लोग का आत्मा शांति के लिए और उनका जो कर्म हमेशा अमर रखने के लिए हम लोगों ने प्रार्थना कर दिया है। और कुछ आप लोग पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा अभी चल रहा है राहुल गांधी जी का लीडरशिप में। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर यात्रा किया जाएगा। अभी वहाँ तमिलनाडु से केरला स्टेट होते हुए कर्नाटक, अभी तेलंगाना पहुँच गया है, अब कुछ ही दिन बाद शायद महाराष्ट्र पहुँचेंगे, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए ये जम्मू एंड कश्मीर में पहुँचेगा। ये प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हो रहा है सारा भारतवर्ष में, हर जन, हर ऑर्गेनाइजेशन, इवन हर पॉलिटिकल पार्टी लोग भी वहाँ शामिल हो रहा है। मैन एंड वुमेन, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम फार्मर्स कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, ऑल अदर कम्युनिटी, सब लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ यात्रा कर चल रहा है।
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये भारत जोड़ो का प्रोग्राम पहले भी कहा है, अभी तो सोशल मीडिया में हर चैनल में अभी उस रिस्पॉन्स भी अच्छा से आ रहा है। इसमें भारत सिर्फ जोड़ने का बात नहीं है, इसमें हर देश का मुद्दा है, जो नस्ल इशूस है, जो GST मल्टीपल टैक्स का ऊपर में चर्चा हो रहा है, इतना सारा टैक्स कॉमन आदमी बियर नहीं कर सकता, खाने पीने में भी टैक्स, मेडिकल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट दवाई में भी टैक्स, स्कूल का एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किताब में पेंसिल में हर चीज़ में टैक्स। अभी है गरीब परिवार किस प्रकार से इतना टैक्स को बियर करेगा, अभी बैंक में पैसा रखो तब भी टैक्स, निकालो तब भी टैक्स, अब कहीं रेस्टोरेंट में होटल में चला जाओ वहाँ तो 18% टैक्स, कोई एक चीज़ खरीदने के लिए बाजार में जाएगा आपका सीमेंट हो रोड हो हर स्टील आइटम्स हो आयरन हो हर प्रोडक्ट का खरीद लो उसमें 12% से 18% से 28% तक का टैक्स, तो इतना टैक्स तो कभी हम लोग नहीं सुना। और ये बीजेपी सरकार आम जनता का सुविधा के लिए भलाई के लिए भविष्यों के लिए काम करेगा बोला था, प्रॉमिस तो बहुत अच्छा अच्छा करता था, लेकिन अंतिम में तो उल्टा हो गया, लोगों का ऊपर में बोझ डाल दिया मल्टीपल टैक्स डाल के, नोटबंदी करके सबको बेगुजराज बना दिया। अभी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतना बढ़ गया, ये जो अभी नौजवान यूथ्स है स्टूडेंट्स है जो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहा है उसका भविष्य क्या होगा उसका अभी तो अंदाज नहीं है, कैसे चलेगा दुनिया देश कैसे होगा समाज कैसे चलेगा उसके लिए कोई नीति नहीं है। इसी प्रकार से ये सब इशू ले करके परामर्श का इशूस है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशूस है, प्राइस राइज का इशूस है, ये सारा इशू लेकर के ये 12 जोड़ो यात्रा में हम लोग मैसेज पहुंचा रहा है आम जनता को समाज को कि लोग समझे देखिए कि ये सरकार किस क्या कैसे चल रहा है। तो ये सब इशू लेकर के 12 जोड़ो यात्रा है और हम लोग ने डिसाइड किया, मैं नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूँ। अभी नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग दिल्ली में किया था, वहाँ हम लोग ने फैसला किया कि नॉर्थ ईस्ट में अपना अपना प्रदेश में भी लोकल इशू लेकर के 12 जोड़ो यात्रा हम लोग करेंगे और यहाँ से NECCC हम लोग जिस प्रदेश में 12 जोड़ो यात्रा प्रोग्राम्स होगा वहाँ हम लोग भी शामिल होगा, वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स में। उसके बाद जो मेन 12 जोड़ो यात्रा में भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और नेचुरल से 50 से 100 लोग जितना भी जो विलिंग है वहाँ जाएंगे पार्टिसिपेट करेंगे, जो डेस्टिनेशन जो तैयार करेगा उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे।